नवजात शिशु को उस समय ये रोग हो जाता है। सब बच्चे को अधिक मात्रा में दूध दिया जाए या दूध पिलाने की विधि में कोई दोष हो। हर माँ चाहती है कि अपने बच्चे को भरपूर पोषण दे सके, परंतु बच्चे कुछ बोल नहीं सकते हैं, इसलिए उनको समझने में परेशानी आती है। इसी परेशानी को कुछ हद तक दूर करने की कोशिश करेंगे आज हम इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाह के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। ऐसे ही कई नवजात शिशु दूध पीने के बाद उल्टी कर देते हैं, जिसे देखकर उनका कारण तो आपको समझ में नहीं आता है, परंतु बच्चे का हर समय उसका ऐसा होना उसके पोषण पर गलत असर जरूर डाल सकता है। वैसे आपने कभी सोचा है कि बच्चे दूध पीने के बाद तुरंत उल्टी क्यों कर देते हैं? क्योंकि उसका एक कारण आप भी हो सकती हैं, क्योंकि महिलाएं जो भी खाती हैं वही दूध बनकर शिशु पीता है। ऐसे में यदि आप ऐसी चीज खाती हैं जिसे बच्चे को पचाने में या हजम करने में कोई परेशानी होती है, तो भी बच्चे को ये समस्या हो सकती है। यदि आप चाहती हैं कि आपका शिशु दूध पीने के बाद उल्टी ना करे, तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नवजात शिशु दूध पीने के बाद क्यों उल्टी कर देते हैं, उसका कारण भी हम जान लेते हैं। कई बच्चों को सर्दी, जुकाम, खांसी के कारण भी उल्टी की समस्या होने लगती है। कभी कभी क्या होता है कि माँ को पता ही नहीं रहता है कि बच्चे को दूध कितना पिलाना है, और बच्चा दूध पीता रहता है, और आवश्यकता से अधिक दूध पीने के कारण भी बच्चा उल्टी कर देता है। बच्चे को दूध पिलाते समय या वैसे भी बच्चे के पेट पर दबाव पड़ता है तो भी बच्चा उल्टी करने लगता है। दूध पिलाने के बाद यदि आपका बच्चा डकार नहीं लेता है तो भी बच्चे को उल्टी की समस्या हो जाती है। इसलिए दूध पिलाने के बाद बच्चे को कंधे पर लिटाकर डकार जरूर दिलवाएं, ताकि बच्चे का दूध हजम हो सके। जब तक बच्चा 6 माह का नहीं होता है तो बच्चे को पानी बिल्कुल नहीं पिलाना चाहिए। बच्चों में आहार शुरू करने का सही समय 6 महीने से होता है। इसी उम्र में बच्चे को दूध के साथ साथ पौष्टिक आहार की भी आवश्यकता पड़ती है, और यदि बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं मिलता है तो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। और बच्चे को 6 माह से पहले पानी पिलाना जानलेवा एवं खतरनाक हो सकता है, इसीलिए बच्चे को 6 माह के बाद ही पानी पिलाना। और यदि आपका बच्चा इन सभी उपायों के करने के बाद भी यदि उल्टी करता है, तो आप किसी पीडियाट्रिक्स डॉक्टर या बच्चों का जो डॉक्टर होता है, चिल्ड्रंस डॉक्टर होता है, उसको अवश्य दिखाएं, ताकि सही ट्रीटमेंट एवं सही सुझाव मिल सके। आपको हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।